रुक जाओ मैम, लुक सेंटर घूम ले दो आप कल्पेश, मैम लुक सेंटर प्रभात लाइट घुमा दो, प्राउड हो जाएगा दीदी, प्रभात भाई उधर से घूम कर लो, प्रभात भाई ब्लू लाइट ऐसे घुमा दो। मैं जानना चाहूंगा गांधी वाली मॉल की रघुलेखा मॉल का जो 14th एनिवर्सरी है उसका क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप देख रही हैं, कब से इस मतलब यहां पे आती हैं और यहां का जो एनवायरनमेंट है? मैं सालों से इस मॉल में आती हूं, रघुलीला मॉल मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज बहुत सालों से मैं इस मॉल में आती रही हूँ। मेरी दोस्त है उर्वी हुज़ वन ऑफ द मेजर पीपल हुज़ बिहाइंड द एंटायर मॉल। पिछले तीन चार सालों से रघुलीला मॉल हैज़ डन सच अ इट्स बीन सो डिफरेंट, इतनी ड्यू टू दिस मैनेजमेंट फॉर द लास्ट वन ईयर रघुलीला मॉल हैज़ रियली ग्रोन। इतनी एक्टिविटीज़, इतनी इवेंट्स होते हैं एंड इट्स अ वेरी एक्टिव, वेरी लाइव दिस मॉल इज़ बिकम एंड देख के बहुत खुशी होती है। इट्स ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड उर्वी राठौर हु इज बिहाइंड दिस होल थिंग। ओह नाइस। तो मैं जानना चाहूंगा 14 सेलिब्रेशन में क्या-क्या स्पेशल होने वाला है, क्या मतलब एक्टिविटीज होंगे या हर एज ग्रुप के लिए क्या-क्या अलग-अलग? 4 डेज एक्टिविटीज हमने रखी हुई थी जिसमें बच्चों की ड्राइंग कॉम्पिटिशन, पोर्ट पेंटिंग, डांस, लॉट्स ऑफ फन, म्यूजिक। हमारा थीम था ये स्पेस रिलेटेड, सो वर्ल्ड रिनोन साइंटिस्ट डॉक्टर जे जे रावल ऑल्सो ग्रेस द ओकेजन। देन द सेकंड वन इज डियर सुचेता एंड मिस्टर असलम शेख, द ऑनररी असलम शेख ऑल्सो इज कमिंग टू ग्रेस द ओकेजन एंड एवरी टाइम दिस पीपल हैड शोन द सपोर्ट एंड लव व्हेन एवर वी वॉन्टेड देम। तो यही क्राउड की डिसिप्लिन है क्योंकि क्राउड को मेंटेन करना। अच्छा एंड वन मेजर इवेंट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी मिस्टर जाहिद, कि हमने यहाँ पे ना सेव एनर्जी ग्रीन अर्थ, तो उसके लिए तुलसी प्लांट सबको हम मॉल के मेंबर्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं और हमारा एक थीम रहेगा और हम सबको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ग्रो मोर प्लांट्स एंड मूव टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। सर ये जानना चाहूंगा क्राउड डिसिप्लिन के बारे में बताइए कि क्राउड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली बिकॉज नाउ फॉर 4 डेज वी आर हैविंग अ ह्यूज क्राउड एंड आई एम थैंकफुल टू द क्राउड ऑल्सो एज वेल बिकॉज दे आर मेंटेनिंग एवरीथिंग एंड आवर सिक्योरिटी स्टाफ दे आर ऑल्सो वेल ट्रेन एंड वेल एक्विप्ड दिस थिंग। For that, and once again, I want to say all the people of Kandivali, Boroli for maintaining this peace and harmony in our mall. Thank you very much, and please do come and shop over here and dine and festival. And in the future, what are the vision? मतलब किस तरह से all entertaining बनाएंगे ताकि ज़्यादातर customers यहाँ आएं, ज़्यादातर लोग यहाँ आएं? As normally we are doing from the last also. Last time we did Sharad Purnima, and then we have a 14th anniversary. As we are planning Diwali. We are planning Suchita Khanna to be a brand ambassador also for our mall. Oh, wow. That we will going to decide in our committee meeting. And we are proposing her actually right now. That she will be a brand ambassador for Rabila Mall. I always having an idea ki her brand ambassador bane because she is the perfect female whereby shopping bolo, teacher bolo, banquet bolo, offices bolo, to ye brand ambassador sahi dhang se ban sakti hai. Aur unhone itna pyar dikhaya hai ki she always रघुलीला मॉल को अपना खुद का मॉल के जैसे कंसिडर करके वेन एवर वी कॉल हर वो ऑलवेज आई है और उन्होंने ग्रेस किया है ओकेजन। तो थैंक यू फॉर सो मच लव। रेडी फॉर द न्यू वेंचर ऑलरेडी आपको ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने बना ही दिया है यहां पे। रघुलीला मॉल इज फैमिली टू मी, द मैनेजमेंट इज फैमिली टू मी, दैट्स ऑल आई'd लाइक टू से एंड इट्स बीन वेरी वार्म, वेरी वेरी वेलकमिंग द पीपल, द मैनेजमेंट, एवरीवन इंक्लूसिव ऑफ ऑल माय सिक्योरिटी पीपल, दे आर सो फैंटास्टिक and it's I like the warmth in this place, that's why I find this place very special. Thank you. Thank you.
आया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी चाम जो है वो बरकरार रहेगी और लोग इसी तरीके से लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जब मॉल का कल्चर बना तो कई मॉल जो है वो ठप हो गए, लेकिन रघुवीर मॉल जो है अपने आप को सस्टेन किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसकी एक अपनी पहचान है और आगे भी लोगों को इसका फायदा होगा। और जो इतने करोड़ों का सर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं कि सिक्योरिटी को और इंप्रूव करना चाहिए या किस तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग आते हैं तो उनको एक अच्छा एक माहौल ही ऐसा लगता है, ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत लगती नहीं है। और प्लस ऑलरेडी ये मॉल ने जो सिक्योरिटी हायर करके रखा है, अभी तक तो इन 14 सालों में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे मॉल की बदनामी हो या सिक्योरिटी में उन्होंने अपने कंज्यूमर के लिए कोई लैप्सिस रखा हो। मेरे ख्याल से जो अपने जो कस्टमर है, जितना अपने कपड़ों का या अपने दुकान का ध्यान रखता है उतना ही वो अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखते हैं और सिक्योरिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सर, सारा देश चुनाव के माहौल में क्या कहना चाहेंगे, परिवर्तन कितना ज़रूरी है और किस तरह का परिवर्तन देखने जाते हैं आप? परिवर्तन बोले तो देश का जो चीफ जस्टिस है वो रो रहा है, देश का जो है पुलिस वाले रो रहे हैं, देश की महिलाएँ रो रही हैं, देश का व्यापारी रो रहा है। मुझे ख्याल से हंसता हुआ अगर कोई दिख रहा है तो वो प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, बाकी सब तो रो रहा है। अगर बाकी सबको हंसना है तो वो रो जो पहले से हंस रहा है उसको कहीं ना कहीं उठा के बाबा वापस भेजना पड़ेगा जहाँ से वो आया था। तो क्या 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 चुनावी दौर में कांग्रेस का पलड़ा भारी है या फिर बीजेपी का? चुनावी दौर में तो मुझे लगता है देश की जनता का पलड़ा भारी है, तंग आ चुके हैं देश और बदलाव चाहती है और बदलाव जरूर होगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। बदलाव कांग्रेस ही लाएगी और कौन लाएगा? देश को आज़ाद अगर कांग्रेस ने कराया है तो बदलाव भी कांग्रेस लाएगी। GST भी कम हो जाएगा, रफाइल के अंदर जो चोर लोग हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, जो अपने आप को बहुत साफ बताते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़े चोर है, दिख के आएगा आपके सामने। देखिए पूरे देश में जो मीडिया जिस तरीके से उन्होंने हैक करके रखा हुआ है, लगभग आधे से ज़्यादा मीडिया को जो है बोलने का अधिकार नहीं है, देश को बोलने का अधिकार नहीं है, मन की बातें सुनने की जबरदस्ती जो है स्लीपिंग डोज दी जा रही है, इससे जो है देश बाहर आना चाहता है। उर्मिला मातोंडकर ही आएगी, गोपाल जी का टाइम हो गया मेरे ख्याल से। आज बड़े व्यस्त से टाइम निकाल के आज यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, रघुलीला मॉल को जब भी कोई मुसीबत आई है, जब भी कोई मुसीबत आई है आज करीबन 4 साल से, तो श्री असलम जी ही है जो हमारी हेल्प के लिए आगे आए हैं और मदद की है। ये मैं समझता हूँ पूरे मॉल को पता होगा कि हमारे पे बहुत सी मुसीबत आई थी, प्रॉपर्टी टैक्स की मुसीबत आई थी, वहाँ पर खुद असलम जी हमारे साथ कमिश्नर ऑफिस चले हैं, वहाँ पर जाके रास्ता निकाला है और आज जो ये रौनक देख रहे हो आप एक साल से, इनमें सिर्फ और सिर्फ असलम जी की मेहनत और उनका सपोर्ट और उनका काम दिख रहा है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन उनका नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत 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 हमको हेल्प किया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और आई माई हार्ट हेल्पली थैंक यू असलम जी, थैंक यू वेरी मच सर जी, थैंक यू सर। It's an honor for us that Asam Sheikh ji has taken out his time and come to this mall. Please welcome Sushita Khanna, she is here with us on the dais. We are very grateful for you to come here. Aslam ji and Sucheta, jaise apna ghar ho, ye mall ko apna ghar samajhte hain. Every time jab bhi unko bulaya, unka kitna bhi busy schedule rehne do, उन्होंने मॉल के लिए इतना प्यार दिखाया और हमेशा हर काम में, हर फंक्शन में, हर इवेंट में कुछ भी काम छोड़ के भी हमारे साथ हमारे मॉल को ग्रेस करने, ओकेजन ग्रेस करने को आए हुए हैं। तो पहले तो आप सर उनको बड़े तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज, एवरीबॉडी प्लीज। नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, रघुलीला मॉल वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज बहुत सालों से
thank you guys, thank you, and here's wishing Raghuleela Ball a good 14 years. सबसे पहले तो मैं सुचित्रा जी का और मॉल के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने फिर एक बार इस इलेक्शन के प्रोसेस में मुझे यहाँ खींच के बुलाया। मैं मॉल को ये 14th एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 2019 में जब बदलाव आए, 2019 में इस चुनाव के बाद लोगों के दुकानों में ग्राहक आए, लोगों के जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उनके जेब में पैसे आए, लोगों को मुस्कुराहट मिले, ऐसा एक बदलाव इस देश में आए ताकि जो एक दूसरे के साथ फिर एक बार इस मॉल में जब आए शॉपिंग करने तो उनको ये नहीं लगे कि मेरे पड़ोस में जो खड़ा है वो कौन सी जाति का है, कौन से समाज का है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है। सबको ऐसा लगे कि एक गार्डन में आए हैं, जो हमारा देश था वो गार्डन को फिर बरकरार रखना है। और बहुत सारी शुभकामनाएं मैं इन रघुलीला मॉल के ओनर्स को देता हूं कि आगे आने वाले दिन जो है वो सारे संकट आपके दूर करेगा, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपके घरों में, आपके व्यापार में, आपके चेहरों में, आपके बाल बच्चों में, सब में बहुत सारी खुशियाँ हैं। और हम इसी तरीके से जब भी यहाँ पर आए तो मुस्कुरा के आए, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी मुस्कुरा के आए और आपका सामान लेके मुस्कुरा के जाएँ और उनके दिलों में और उनके घरों में आपकी वजह से बरकत आए, यही कहना चाहूँगा। फिर एक बार आप सबको आपकी अखंडता पे, आपके प्यार को, आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो आज हम 14 मना रहे हैं, आगे जो है वो 24, 64, 104 हम रहे ना रहे ये कारवां चलता रहे, ये मुस्कुराहट चलती रहे, ये प्यार और धंधा बढ़ता रहे, यही कह के मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच आपने मुझे यहाँ बोलने का जो मौका दिया। सबको बहुत बहुत प्यार, रघुलीला को बहुत बहुत प्यार, सारे लोगों को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और शायद इनसे कुछ बोलना रह गया तो मुझे लगता है बोलना चाहिए, ये साल वुमन पावर का है। उर्मिला जी यहाँ पे खड़ी हुई है, मैं कोई पॉलिटिकल प्रचार नहीं कर रही हूँ, बट शी इज अ फीमेल, सो आई डू अप्रिशिएट एवरी फीमेल। सुचेता इज ऑल्सो फीमेल एंड माई सेल्फ इज ऑल्सो आई एम अ फीमेल। ओके, सो थ्री चीयर्स फॉर फीमेल एंड फीमेल पावर ऑफ दिस ईयर। थैंक यू। Yeah.
Jamal. You are honorary our chief guest, Suchita Khanna. Thank you for coming for our celebration.